गाइस, आज का जो वीडियो है वो है साइबेरियन ट्रैप पर। ये बहुत ही अच्छा ट्रैप है, ये ओपोनेंट को इजीली चेकमेट कर देता है। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो वाइट ओपन करेगा अपने पॉन से, वो रखेगा पॉन को e4 पर। हमें अपने पॉन को e5 पर नहीं रखते हुए हमें क्या करना है, हमें रखना है c5 पर। इसे कहते हैं सिसिलियन डिफेंस। और अब हमें कैप्चर करना है, अब हमें उसने गैम्बिट दिया हम भी कैप्चर कर लेंगे। अब वो हमारे पॉन को अक्वायर करेगा। उसके बाद हमें जो करना है कि हमें ये कर देना है, उससे क्या है कि उसका जो ये है नाइट वो आगे नहीं आ सकता। अब हमें भी वही मूव करना है। ओके, सो अब हम क्या करने वाले हैं कि हम ये मूव करने वाले हैं, हमारे हम नाइट को डेवलप करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि व्हाइट ने जो कैसल किया है, तो इस टाइम पे हमारे लिए सबसे बेस्ट मूव होगा कि हम एक क्वीन को जो है रखेंगे c7 पर। अब जो है देखो, सो अब यहाँ पर जो वाइट क्या सोच रहा है कि वो अपनी रानी को यहाँ रखेगा ताकि वो अपने रुक को बाहर निकाल पाए यहाँ से और हमारे किंग को अटैक कर सके। बट हमें इस वक्त क्या करना है, हमें अपने नाइट को वहाँ रख देना है, क्योंकि नाइट हमारा जो एक अच्छे पोजिशन पर चला गया है, इसलिए वो हमारे नाइट को भागाने की कोशिश करेगा। अब हमें अपने नाइट को पीछे नहीं लेना है, हमें यहाँ से उसके किंग क्वीन को अटैक करना है। अब जो है उसने अपनी क्वीन को सिक्योर किया है, तो हम उसके नाइट को अटैक करेंगे। अब वो अपनी क्वीन से हमारे नाइट को कैप्चर करेगा। और हमें क्या करना है, अब हमें सीधा अपनी जो क्वीन है उसे लेके रख देना है h2 पर। और यहाँ पर जो है वाइट वो चेकमेट हो चुका है। सो गाइज, होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सो गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एक अच्छी सी कमेंट कर देना और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना।